आपको सीधे मुरैना लिए चलते हैं जहां कमलनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। रवीन टोवर बाजी मार रहा था तो किसी तरह रवीन टोमर शायद हार जाए, पर अंत में एक बात कहना चाहता हूं। 17 तारीख को कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने साथ रख लीजिए, सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। सच्चाई का साथ देंगे। सब देंगे सच्चाई का साथ। आप इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हमारे कृषि क्षेत्र में कर्जा पूरा माफ करेंगे। आप मौका देंगे कि 100 यूनिट बिजली, 100 यूनिट हमने 100 रुपए में दी थी, अब हम 100 यूनिट माफ करेंगे और 200 यूनिट हाफ करेंगे। और माताओं और बहनों को बता दीजिएगा, आप सब घर जाके, 18 साल तक तो ये बहनें लाडली नहीं थी, चुनाव के पहले 5 महीने पहले लाडली बन गई। ये किस तरह का धोखा है, ये सोचते हैं कि ये माताओं और बहनों को ये पटा लेंगे, पर बता दीजिएगा माताओं और बहनों को कि चालीस दिन बाद इनको 1500 रुपए हमारी गवर्नमेंट देगी और 500 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। हम चाहते हैं हमारी माताएं और बहनें जो घर चलाती है वो उनके हाथ में कुछ मजबूती आए। पुरुष तो अपने ख्याल रख सकते हैं, पर माताओं और बहनों का ख्याल हमें रखना चाहिए। हम रखेंगे। यहां उद्योग की बात मैंने करी, मेरा प्रयास रहेगा कि यहां हम उद्योग लगाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है। रेत की बात है, रेत खुलवाएंगे और रेत आपके हाथ में देंगे, ठेकेदारों को नहीं देंगे, आपके हाथ में देंगे। मैंने तो कहा कि मैंने 1000 ये मैं कह रहे हैं गौशाला बनाएंगे, मैंने तो 1000 गौशाला बनाई थी, अब कोई कमी होगी गौशाला की? ये तो मेरे दिल की आवाज है जब हम गौशाला बनाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सच्चाई का साथ देंगे, और जब मध्य प्रदेश की विधानसभा शुरू होगी फिर से दिमनी का आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम शिवराज की लाडली योजना पर कमलनाथ ने तंज कसा और कहा कि 5 महीने पहले याद आई लाडली, 18 साल से बहनें लाडली क्यों नहीं थी। कमलनाथ जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लाडली लक्ष्मी योजना गेम चेंजर है और वो बीजेपी को चुनाव जितवाने जा रही है। बीजेपी और कई ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की जिस तरह से पहले कमजोर बीजेपी दिख रही थी, अब उतनी कमजोर नहीं दिख रही है, इसके मायने क्या है? लाडली लक्ष्मी योजना क्या आपको लगता है कि गेम चेंजर है? मैं कोई ओपिनियन पोल देखता नहीं हूं जी, मैं जनता की ओर देखता हूं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है जी। 18 साल बाद चुनाव के 5 महीने पहले शिवराज सिंह ने बहनों और माताओं को याद किया, लाडली बना लिया 5 महीने, इसके पहले लाडली नहीं थी। आप क्या सोचते हैं कि हमारी माताएं और बहनें मूर्ख हैं? वो नहीं समझ रही कि किस प्रकार का तो सतना के नागौद में बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र सिंह के भाई अनुज छत्रपाल सिंह ने विवादित बयान दिया है। अनुज छत्रपाल ने सभा में कहा है कि सही गलत करने वालों की मदद करते हैं और हत्या रेप करने वालों को भी कानून से बचाया है। उन्होंने आगे कहा कि ये सम्मान की लड़ाई है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाऊंगा, पर आप लोग क्या करोगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र सिंह पूर्व में मंत्री और सांसद रह चुके हैं। तो गांव के बीच में ही हुए, कुछ भी जुआ पकड़ा गया, साहब की दारू पकड़ी गई, साहब एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, क्या मैंने किया? जो मेरे पास आया मैंने उसको सहयोग किया, चाहे वो रेप करके आया हो, चाहे साहब वो मर्डर करके आया हो, है केस, रेप के भी केस में आपके नाम गिना दूँ, सब किसने सहयोग किया है, मर्डर के केस रखे किसका सहयोग किया, बचा के लेके आया हूँ, छोटे मोटे बहुत, कि
किया आपके लिए, आपने निर्णय किया। अब मुझे कोई शौक भी नहीं कि तय आपको करना बंद हो, वोट अपनी जगह में, वोट अपनी जगह में, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा सर, मैं हार जाऊंगा या जीतूंगा, इसके अलावा क्या होगा। पर आप लोगों का क्या भविष्य रहेगा, आपकी मर्यादा कैसे बचेगी, ये आपको सोचना है। विवाद हुए हैं तो गांव के बीच में ही हुए हैं। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रत्याशी के भाई, जिन्होंने विवादित बयान दे दिया है, सभा में मौजूद थे और इस सभा में ही रहकर विवादित बयान कहा। सभा में हत्या और रेप को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। शिवेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, इनके इस बयान के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, इनके बयान के मायने ये हैं कि इनको हताशा नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि नागौद में अभी तक क्षत्रिय उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं और नागेंद्र सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 5 बार विधायक बने हैं और 1 बार खजुराहो से सांसद बने हैं। इस बार पुनः उनको 82 साल की उम्र के बाद ही बीजेपी ने मैदान में उतारा है और अब पूरा जो गणित लगाकर इस बार आखिरी चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने एक ओबीसी समाज से रश्मि पटेल को टिकट दी है और उचेरा क्षेत्र में रश्मि सिंह का काफी बड़ा जनाधार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस तरह के बयान देकर एक सहानुभूति और एक जनहितैषी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये शब्दों की मर्यादा भूल गए, यहाँ तक कि कानून को अपने हाथ में लेने की बात कही और रेप और हत्या जैसे आरोपियों को संरक्षण देने का खुद कबूल किया है। हालांकि अब एमपी की लड़ाई विवादित बयान पर आ गई है, तमाम बयान इन दिनों सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शिवेंद्र। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।